हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडसर्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है डोलो फोर्स। जी हाँ दोस्तों, डोलो फोर्स आपको एक इंजेक्शन 2 ml का एम्प्यूल मिल जाता है और जिसका दाम होता है 26 rupees 19 paise, यानी 27 rupees में आपको मिल जाता है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी इंजेक्शन हो या मेडिसिन हो, दवाई डॉक्टर के सलाह या पर्ची के बगैर ना खरीदें, क्योंकि नाम सेम होता है, कंटेंट अलग हो जाता है, तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डोज आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए अवॉइड करें बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एम्पुल दिख रहा है आपको 2 ml का, इसका जो कंटेंट है पैरोक्सिकैम है। पैरोक्सिकैम एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, एनसेड कहा जाता है। दोस्तों ये पोटेंट पेन किलर है, यानी बहुत अच्छा पेन किलर है। ये जो यूज किया जाता है जहां पर सीवियर पेन होता हो, सिंपल पेन के लिए नहीं, जैसे कि आपका जोड़ों का पेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, और आपके जो भी मसल पेन होते हैं, सीवियर मसल पेन, टीथ मसल पेन, जो भी होता है, दांत दर्द होता है, वहां पर ये काफी कॉमनली यूज किया जाता है। या कोई सर्जरी के बाद जहां पर आपको पेन दर्द ज्यादा होता है, तो वहां पर ये दिया जाता है। लेकिन इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एनसेड जो भी होते हैं, ये आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करके, या तो किडनी फंक्शन अच्छे होनी चाहिए जब ये आपको ये दिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आप यूज ना करें किसी के जब भी पेन होता हो आ जाकर, क्योंकि किडनी से होती हुए चले जाते हैं। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट जो होता है, एक जो कानों में रिंगिंग सेंसेशन आ सकता है एक, और सेकंड जो होता है कि हेडेक हो सकता है। देखिए दोस्तों, हेडेक भी एक दर्द है, दर्द कम नहीं होता इससे, लेकिन हेडेक ज्यादा हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि एनसेड्स क्या करते हैं, एसिड ज्यादा कर देते हैं और एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसे ऑलरेडी एसिडिटी होती है उनके लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। और ये दोस्तों, ये 1 ml इंजेक्शन दिया जाता है, या 0.5 ml भी दिया जाता है, 2 ml नहीं दिया जाता है, और कभी कभी रेयरली 2 ml रिपीट किया जाता है लेटर ऑन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो इंजेक्शन होता है, दर्द जब हद से ज्यादा हो तभी यूज करें, और कभी कभी यूज करें, हमेशा के लिए यूज इस्तेमाल ना करें, और अपने डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर ना इंजेक्शन ना दें। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।